जम्मू कश्मीर के कई बच्चे आज यूक्रेन से वापस अपने घर लौटे हैं। यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से निकलकर अपनों के बीच पहुंचे जम्मू कश्मीर के बच्चों की हिम्मत जहां एक ओर उत्साह बढ़ाती है तो वहीं दूसरी ओर उनकी झेली मुश्किलें आंखों में आंसू ले आती हैं। यूक्रेन से पड़ोसी देशों में सुरक्षित पहुंचने के लिए कुछ बच्चे तो भूखे प्यासे ही निकल गए तो कुछ ने मीलों का सफर पैदल ही तय किया। इन बच्चों का कहना है कि इन्होंने कई मुश्किलें झेली, लेकिन जब रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत विमान में बैठे तो मुंह से बस भारत माता की जय ही निकला। जब ये बच्चे जम्मू कश्मीर वापस आकर अपने घर पहुंचे तो घर वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सबकी आंखें नम थी, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। इन बच्चों ने बताया कि इनसे कहा गया था कि हाथ में तिरंगा पकड़कर चलोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, और इन्होंने ऐसा ही किया। यूक्रेन से वापस घर लौटे हर बच्चे की अपनी एक अलग दास्तां है, तो आइए जानते हैं इन बच्चों की कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम आर्यन दुबे है, मैं कनाल रोड तालाब तिलो जम्मू का रहने वाला हूँ। मैं फोर्थ ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ विनित्सिया नेशनल मेडिकल कॉलेज का। मैं 5 दिनों से यूक्रेन में फंसा हुआ था, 3 दिन मुझे लगे बॉर्डर से निकलने के लिए, और मैं अपने तिरंगे की वजह से वहाँ से निकल पाया। हम बस में थे, हमने वहाँ पे तिरंगा लगाया जिससे हमें जो यूक्रेनियंस थे उन्होंने हमें जाने दिया, क्योंकि सबको पता है कि सब हमारे भारत मतलब हिंदुस्तान के कितने अच्छे रिश्ते हैं रशियंस के साथ भी और यूक्रेनियंस के साथ भी, तो उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। यदि कि कुछ पाकिस्तानियों ने भी मदद मतलब कुछ यूज़ किया हमारे तिरंगे को वहाँ से निकलने के लिए, इससे हम पता चलता है हमारे तिरंगे की ताकत। और जैसे ही मैं वहाँ रोमेनियन बॉर्डर पहुँचा, वहाँ से हमारी एम्बेसी ने और मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों ने हमें हमारी बहुत सहायता की, और मैं शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने ये प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया। इससे हम जितने भी वहाँ पे भारतीय बच्चे फंसे हुए थे उन्हें बहुत मदद मिली, बहुत प्रोत्साहन मिला। वहाँ से तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ आने में, क्योंकि हमें इंडियन गवर्नमेंट की टिल हंगरी तक कोई हेल्प नहीं हुई है, हंगरी के बाद उनकी सारी हेल्प हुई है, पर उसके पहले हमें हर जगह ट्रेन्स खुद लेनी पड़ रही थी और बंकर्स में रहना पड़ रहा था। सारी जगह मतलब कुछ वो नहीं था ना, हमें खाने को खाना मिल रहा था, बस लेज वगैरह पे हम जी रहे थे, और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब ना इवन हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था पहनने को। हम लोग कीव से निकले हैं लवीव से, फिर हमने खुद सब अरेंजमेंट करा, मतलब इवन कि हमें रेलवे स्टेशन पे नीचे सोना पड़ा है, लवीव से हमने खुद अरेंजमेंट करा है बस के लिए। फिर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम किस बॉर्डर पर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम सुन रहे थे कि एम्बेसी वाले बॉर्डर से हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों को बाहर धक्के मार रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं, लड़कियों के साथ गंदा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी थी। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम हंगरी जाते हैं, और हंगरी के लिए भी हमें लवीव से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पहुँचने में। पहले हम हंगरी से उज रोड गए, उज रोड से हमें 6 घंटे की बस में बैठना पड़ा, फिर उज रोड से हमें चौक तक जाना था जहाँ पे हमारी इमिग्रेशन होनी थी कि हम यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं और हम हंगरी बॉर्डर एंटर कर रहे हैं। फिर हमने चौक से अपनी इमिग्रेशन कराई, वहाँ से हम गए जुहानी तक हम गए हैं बाई ट्रेन। फिर हमने जुहानी में फिर ट्रेन लेनी थी हंगरी के बुदापेस्ट तक पहुँचने के लिए, जहाँ से हमारी फ्लाइट और अम्बेसी ने हमें वहाँ पर मिलना था। बुदापेस्ट भी हम पहुँच चुके थे, वहाँ पे हमें अम्बेसी वाले मिले 1 घंटे बाद, क्योंकि हम उनको कॉल्स वगैरह कर रहे थे, लग नहीं रहा था, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था, बट 1 घंटे बाद उनका रिप्लाई आ गया। फिर उसके बाद वो लोग जब बुदापेस्ट हम पहुँचे वो हमें लेने आए, वहाँ पे उन्होंने ना हमें अलग अलग कर दिया, मतलब हमारे ग्रुप के जितने मेंबर्स थे बॉयज़ गर्ल्स को सब अलग अलग कर दिया। फिर हमें होटल में लेके गए हैं, होटल की एकोमोडेशन बहुत अच्छी थी, वहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब प्रोवाइड करा, प्रॉपर हेल्प करी है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बॉयज़ को तो उन्होंने उसी रात फ्लाइट दे दी थी कि तुम इंडिया चले जाओ, पर गर्ल्स जो बची थी उनको अगले दिन उन्होंने फ्लाइट के लिए बोला कि आज तुम्हारी फ्लाइट, तो पता ही होता रहता है, बट रशिया ने बोला था कि हम किसी भी सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, वो अटैक उसी जगह कर रहे थे जहाँ पे खाली जगह थी, बट खार्किव में उन्होंने बहुत जगह ब्लास्ट कर दी है, खार्किव में खतरा ज़्यादा है, और हमारी जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो इवैक्यूएट कर रही है जहाँ से हम सेफ जोन से निकल रहे हैं, बट मतलब उनको इवैक्यूएट करना चाहिए कहाँ से, खार्किव से, खार्किव इज़ द मोस्ट डेंजरस। विश्व शर्मा है, मैं थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और मैं उजगरोत नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ। उजगरोत में रहती थी मैं, वहाँ पर वो वेस्ट साइड में है, वो बहुत अभी इस फिलहाल तो वो सेफ है, बट अगर अभी भी अगर हमें नहीं निकला जाता वहाँ से तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी,
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है। यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे लिए बसेस अरेंज कर दी थी जो कि हमें बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था। उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया था, हमारे लिए होटल अरेंज करवा दिए थे, हम अच्छे से होटल में रहे थे वहाँ पर। फिर उसके बाद हमें एयरपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खाना वाना हमें वहाँ पर अच्छे से मिला और वहाँ पे हमें जल्दी से जल्द फ्लाइट करवाई, मतलब जो ईज़िली फ्लाइट मतलब जल्दी मिल रही थी हमें वो फ़्लाइट से पहुँचाया गया जल्द से जल्द बच्चों को। और ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि बंदी बनाया गया है, लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। वहाँ पर भी अभी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे, क्योंकि खारकीव में, खीव में, सुमी में, ओडिशा में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, जहाँ की जम्मू के भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे हैं। तो जो बच्चे उजगरोद में थे, इवानो फ्रांसको में थे, यहाँ के बच्चे निकाल दिए गए हैं, तो यहाँ पे जम्मू के जो थे वो अब बच्चे आ गए हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ फंसे रहते, उनकी वजह से ही हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं, वो भी सेफली। तो इंडियन एम्बेसी को और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बच्चे वहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम पाकिस्तान से हैं, उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर रही है। वो बच्चे वहीं फंसे हुए हैं, और ऐसा भी कहा गया कि वो बच्चे इंडियन फ्लैग लगा के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि उनको, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि फ्लैग लगा के निकलोगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तो पाकिस्तान के बच्चे भी यही फॉलो करने लग गए। हम लोगों को 28 को इवैक्यूएट किया गया था उजगरोड से वाया आर कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर अमरीक सिंह ढिल्लों, एंड वहाँ से हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया एंड वी रीच्ड हंगरी से एयरपोर्ट पे हमें इंडियन एम्बेसी के वॉलंटियर्स आए थे पिक करने के लिए। देन उन्होंने हमें एक अकोमोडेशन दी फॉर फ्रेश एंड ब्रेकफास्ट वगैरह सब प्रोवाइड किया। देन जब तक हमारी फ़्लाइट अरेंजमेंट नहीं थी, उन्होंने हमारे लिए सब खाना वगैरह सब हमारे लिए प्रिपेयर किया। देन जब हमारी फ़्लाइट जो है वो कंफर्म हुई है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, वो हमें अपनी ही बस में बुदापेस्ट एयरपोर्ट पे लेकर गए हैं। देन वहाँ से उन्होंने हमारी फ़्लाइट करवा कर वहाँ पे हमें इंडिया भेजा। तो जब मैं इंडिया पहुँची, वहाँ से आगे जाकर हमें, मैं J&K हाउस जो है मैं वहाँ पर गई, उन्होंने मेरे को वहाँ पे एकोमोडेशन दी एंड आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 to 3 hours। एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ से मेरी फ़्लाइट अरेंज करके मेरे को कल, मैं शाम को 6 बजे जम्मू अपने